पहुंचा रहे हैं बालासोर में हादसे वाली जगह पर रेल मंत्री पहुंचे हैं। ट्रेन हादसे की जांच पूरी हो चुकी है, रेल मंत्री की ओर से ये कहा गया है जल्द सामने आएगी हादसे की जांच रिपोर्ट। बुधवार तक दोबारा रूट शुरू होने की उम्मीद है। ट्रैक को आज बहाल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर मौजूद हैं। ट्रेन हादसे की जांच पूरी हो चुकी है, उनकी ओर से एक बात कही गई है जल्द हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बुधवार तक दोबारा रूट शुरू होने की उम्मीद है। बता दें आपको कि लगातार यहां पर मरम्मत का काम जारी है, 1000 से अधिक कर्मचारी वहां पर तैनात हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और ट्रैक की मरम्मत को लेकर कोशिशें लगातार की जा रही है। ट्रैक को आज बहाल करने की कोशिश की जाएगी, रेल मंत्री की ओर से ये कहा गया है। तो बुधवार तक दोबारा रूट शुरू होने की उम्मीद है, ट्रैक को आज बहाल करने की कोशिश की जाएगी। बालासोर में हादसे वाली जगह पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी है, जो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुआयना वहां पर उनकी ओर से लिया जा रहा है, जल्द हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आएगी। अभी तक जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से सिग्नल की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ, चूंकि सिग्नल दिया गया था लेकिन बाद में उस सिग्नल को हटा लिया गया, उसकी वजह से ये हादसा देखने को मिला। तस्वीरें आप देखिए जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां का निरीक्षण करते हुए किस तरीके से मरम्मत का काम है चल रहा है उस चीज को यहां पर उस चीज का मुआयना करते हुए यहां पर केंद्रीय रेल मंत्री नजर आ रहे हैं। ट्रैक को आज बहाल करने की कोशिश की जाएगी, उनकी ओर से यह कहा गया है। ट्रैक से मलबा को हटा लिया गया है और हादसे की पूरी जांच रिपोर्ट भी जल्द से जल्द आ जाएगी। ट्रैक को बहाल करने का काम लगातार जारी है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है, जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए, सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। तो बिल्कुल देखा आपने, बालासोर में हुए हादसे के बाद रेस्टोरेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस दौरान रेलवे के CPRO आदित्य चौधरी से बातचीत की हमारे सहयोगी सैयद आमिर ने। बालासोर रेल हादसे के बाद रेस्टोरेशन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन इस समय मौजूद है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में लगभग जो कोच थे जो डिरेल हो चुके थे उनको हटा लिया गया है। 22 से 22 कोच डिरेल हुए थे टोटल, जो अभी आंकड़ा सामने आया है, और 1000 से ज्यादा यानी 1000 से ज्यादा लेबर यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा NDRF और ODRF की टीमें भी काम कर रही है। हमारे साथ में आदित्य चौधरी जी है, CPRO मौजूद है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर। सर, किस तरह से काम हो रहा है इस पूरे इलाके में, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या अभी भी बॉडी का निकलना जारी है? देखिए, पूरी रात भर यहाँ पे काम हुआ है। 1000 से ज्यादा लेबर्स और 3 जोन्स के ऑफिसर्स स्टाफ और 3-4 डिवीजन्स के ऑफिसर्स स्टाफ हेडक्वार्टर रेलवे बोर्ड से सब लोग हैं, CRB साहब, GM, सब लोग साइट पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। तो रात भर में सारा जितने कैप्साइज कोचेस थे, 21 नंबर ऑफ कैप्साइज कोचेस, और प्लस जो 3 जो वैगन्स थे गुड्स के, वो जो उसको भी रिमूव कर दिया गया है अभी, ठीक है, और एक लोको थी उसको भी हटा दिया गया है। तो जितने कैप्साइज वैगन्स एंड लोकोस थे उनको हटा दिया गया है। अभी जो है एक एंड से ट्रैक लिंकिंग का काम चल रहा है, जो ट्रैक बिछाते है वो पूरा उखड़ गया था, तो ट्रैक लिंकिंग का काम एक एंड से चालू है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। और TRD जो OHE का जो काम होता है वो काम भी कंटिन्यूअसली एक साइड से चल रहा है, तो वो एक एंड से काम चालू है और
टीम लगी हुई है। टोटल कैजुअलिटीज कितनी अब तक काउंट होकर के हुई है? स्टेट गवर्नमेंट ने हमें दिया है 288 का दिया है। वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद देम, वो अपडेट करते हैं, मिलते हैं। पूरी लाइन जो है डैमेज हो चुकी है और ऐसे में जल्द से जल्द इस ट्रैक को क्लियर कर पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि और देखिए उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। तीन ट्रेनों के आपस में टकराने से यह दर्दनाक हादसा हो गया। अचानक दौड़ती ट्रेन के बीच पटरी पर मौत दौड़ गई और सैकड़ों जाने चली गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बालासोर रेल हादसे के 36 घंटे के बाद इस समय हम ठीक बहानागा के उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ये भीषण रेल हादसा हुआ था। शाम को 7 बजे के करीब जो ये रेल हादसा हुआ उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस समय ठीक बहानागा के स्टेशन के पास हम मौजूद हैं और रेस्टोरेशन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक यहां पर पहुंच करके उन्होंने हालात का जायजा किया था और उसके बाद पूरी रिपोर्ट मांगी थी, यहां तक कि तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की थी। लेकिन ताजा हालात क्या है, ताजा हालात देखिए। दरअसल जो रेस्टोरेशन का काम है वो बहुत ही तेजी गति से चलाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वो डिटेल्स ले रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ में, मंत्रियों के साथ में बैठकें की उन्होंने और पूरे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। लेकिन किस तरह के हालात है इस समय आप देखिए, 36 घंटे के बाद इस पूरे ट्रैक को खाली किया जा रहा है, जबकि यहां पर आप देखेंगे कल के वक्त और परसों के वक्त बड़ी संख्या में यहां पर जितने भी कोचेस थे वो डीरेल्ड पड़े हुए थे, लेकिन उन कोच को अब साइड कर दिया गया है। तमाम तरीके से आप देखिए मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए अब तारों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप जो इलेक्ट्रिफाइड तार थे उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करके जोड़ा जा रहा है। पूरी ट्रैक को जो है दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। आपको वहां पर तस्वीर दिखाते हैं, सामने आप तस्वीर देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है एक तरह से बीच वाला हिस्सा, खासतौर पर हम तीसरी लाइन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित तीसरी लाइन हुई थी और उसको उस ट्रैक को पूरा तोड़ करके दोबारा उस पर उस ट्रैक को बिछाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इसमें लंबा वक्त लग सकता है लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने जो CPR है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 2 दिन के अंदर ही ये सारा काम कंप्लीट कर देंगे। तो क्या 2 दिन के अंदर ट्रेन चलने लगेगी इस रूट पर, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ट्रेन जो है इस रूट से बाधित है और काफी बिजी रूट माना जाता है। ये हावड़ा से लेकर के बेंगलोर से लेकर तमाम रूट को जो है ये कनेक्ट करता है और यही जगहों पर मूवमेंट होता है ट्रेनों का, चाहे वो मालगाड़ियां हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, पैसेंजर्स ट्रेन हो, तमाम तरह से यहां से मूवमेंट होता है। अभी तक जो कारण का पता चला है, जो थ्योरी चल रही है वो यही कि जो मालगाड़ी थी उसको पीछे जो है कोरोमंडल ने हिट किया पीछे से। कोरोमंडल के करीब 13 से 14 डिब्बे जो थे वो उस मालगाड़ी से ऊपर फाड़ते हुए निकल गए और उसमें जो लोग सवार थे उनको कहीं ना कहीं इसकी क्षति हुई। और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन थी वो ट्रेन जो थी दूसरे ट्रैक से आ रही थी उसी समय के दौरान वो भी डीरेल होती थी, यानी कि उसके दो को जो है डीरेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम है इस सेक्शन को दोबारा रिस्टोर करना है, इसको दोबारा चालू करना है, क्योंकि जो बड़ी संख्या में लोग यात्री जो हैं वो वेट कर रहे हैं किसी तरीके से ट्रेन दोबारा शुरू हो तो यहां से यात्री मूवमेंट कर सकें, उसको ये कंप्लीट करना है। और बीच बीच में आप देखेंगे NDRF के जो जवान हैं वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि जो डीरेल हो चुके तमाम कोच हैं उसके अंदर कोई बॉडी छुपी तो नहीं है, कोई बॉडी पड़ी तो नहीं है अभी भी, क्योंकि आप देखिए क्रश हो चुकी है पूरी तरीके से कोच आपस में, उसमें से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल भरा काम है। कल जिस तरह से हमने देखा इस पूरे हादसे के बाद की जो तस्वीरें थी काफी भयावह थी, कहीं पर हाथ पड़ा हुआ था, कहीं पर पांव पड़ा हुआ था, बॉडी का भी पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही खराब, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति थी। अभी ट्रैक पर जाने के लिए रोक दिया गया है चैनल के लोगों को और मीडिया के लोगों को, और ये कहा गया है कि वहां पर स्थिति बहुत खराब है इसलिए क्योंकि कभी भी तार जो है वो गिर सकते हैं और अगर तार गिरते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में लोग आ सकते हैं।
सकते हैं, चोट लग सकती है, इसलिए हमें ऊंचाई का सहारा लेकर के एक जगह से आपको ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही है। तो आप देखिए करीब 1000 से ज्यादा लेबर जो है वो काम कर रहा है, एनडीआरएफ ओडीआरएफ और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है वो 2400 घंटे काम करके ट्रैक से तमाम जो डिरेल्ड कोचेस थे उनको साइड कर दिया गया है। लेकिन ये भयावह तस्वीरें जो हैं अभी इस समय साफ होती तो नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में सवाल भी खड़ा करती हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि हम बुलेट ट्रेन का सपना लोगों को दिखा रहे हैं और हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में अगर इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो उससे लोगों की जान माल की हानि होती है, और फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्रेन भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। लगातार जांच की जा रही है, रेस्टोरेशन का काम जारी है, माना ही जा रहा है कि अगले 48 घंटे में इस रूट को बहाल कर दिया जाएगा। वीडियो संजय कुमार। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी बालासोर में मौजूद थे, जहां पर ग्राउंड जीरो से वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से रेस्टोरेशन का काम तेजी से जारी है, और आमिर हुसैन की रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि किस तरीके से वहां पर काम युद्ध स्तर पर जारी है। तमाम जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद हैं और लगातार उस ट्रैक को मरम्मत किया जा रहा है ताकि जो ट्रेनें डाइवर्ट हैं उसको किसी तरीके से दुरुस्त किया जाए। रात में हादसे वाली जगह पर भी जो कर्मी थे वो डटे रहे, कहा जा रहा है कि 1000 से अधिक कर्मी वहां पर मौजूद थे, और अभी भी मरम्मत का काम लगातार जारी है। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां का मुआयना लेने पहुंचे थे, और जहां पर मरम्मत का काम कहां तक पहुंचा है उस चीज का इन्वेस्टिगेशन उनकी ओर से किया जा रहा था। साथ ही जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बनाई गई है उसके हिसाब से सिग्नल की वजह से यह हादसा हुआ है। सिग्नल दे दी गई थी लेकिन उसके बाद सिग्नल को हटा लिया गया, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा देखने को मिला। फिलहाल ट्रैक को बहाल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। रात में भी हादसे वाली जगह पर जो कर्मी थे, जो कर्मचारी थे, वो डटे हुए थे। दिन रात वहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से ट्रैक को दुरुस्त किया जा सके। ट्रैक से हालांकि मलबे को हटा लिया गया है और ट्रैक को बहाल करने की कोशिश जल्द से जल्द की जा रही है। तो उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से यह दर्दनाक हादसा होता है। अचानक दौड़ती ट्रेन के बीच पटरी पर मौत दौड़ गई और सैकड़ों जाने चली गई। कई परिवारों ने अपनों को यहां पर खो दिया है। हजारों सपने पल भर में पटरी पर बिखर गए। इस हादसे के बाद देश सदमे में है।